आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्वेश्चन 3 के आंसर्स। क्वेश्चन के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन के जो भी आंसर्स परफॉर्म आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इतफाक नहीं करते तो आपके अपने ऑप्शन में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक कर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच मेथड इज मोस्ट बेनिफिशियल वाइल मेकिंग बैकलिंग्स फॉर योर वेबसाइट, क्रिएटिंग कॉन्टेक्स्ट बैकलिंक्स ऑन रेलेवेंट साइट, क्रिएट एन इंफोग्राफिक एंड शेयर इट टू द रेलेवेंट ब्लॉग्स, क्रिएट डाइवर्स एंड नेचुरल लिंक्स, डिस्ट्रीब्यूट लिंक इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्टुअल बैकलिंक्स ऑन द रेलेवेंट साइट इसका करेक्ट ऑप्शन है। फर्दर आपके पास क्वेश्चन है, अवॉइड डैश टू प्रमोट एमेजॉन एफिलिएट लिंक्स, ब्लॉगिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल शेयर, नॉन, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑन पेज एसईओ कैन बी accomplished through all of these tactics except article marketing, social book marketing, keyword optimization, link building. Off page SEO की जब हम बात करते हैं तो इसमें से हमारे पास keyword optimizing correct option है, बाकी सब उसके on पेज एसईओ में आते हैं। टाइनी पीएनजी इज यूज फॉर इमेज ऑप्टिमाइजेशन इसका करेक्ट आंसर है। कोड ऑप्टिमाइजेशन, रैंकिंग इंप्रूवमेंट एंड कीवर्ड ट्रैकिंग अदर ऑप्शन है। डैश मींस टू मिनिमाइज कोड, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, मिनिफिकेशन, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। वैसे हम यहाँ पे लेजी लोडिंग को सिलेक्ट करेंगे। डैश इज द एक्ट ऑफ राइटिंग कॉन्टेंट फ्रॉम अनदर वेबसाइट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ बैकलिंक इज नोन एज गेस्ट पोस्ट। कॉन्टेक्चुअल लिंकिंग, सोशल शेयरिंग, यहाँ पे अदर ऑप्शंस हैं। फर्दर आपके पास क्वेश्चन 7 है, डैश डिस्क्राइब द पीपल हु कम टू योर डोमेन फ्रॉम अदर साइट विदाउट सर्चिंग फॉर यू ऑन गूगल इज कॉल्ड रेफर ट्रैफिक। ऑर्गेनिक, डायरेक्ट एंड पेड फर्दर ऑप्शंस हैं। अ डैश इन वर्डप्रेस एडिटर इज अ कंटेंट ब्लॉक सेव इंडिविजुअली टू बी यूज्ड लेटर, रीयूज ब्लॉक, रिस्पॉन्सिव थीम, एसईओ प्लगइन्स या नन। आपको पूछे जा रहे हैं यहाँ पे ये कौन सी चीज़ है एडिटर के अंदर जो कि कंटेंट ब्लॉक कहलाती है जिसको आप इंडिविजुअली भी बाद में यूज कर सकते हो। तो रीयूजेबल ब्लॉक्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। डैश टूल इज यूज टू चेक वेदर द स्कीमा कोड इज वैलिड और नॉट, रिच रिजल्ट टेस्ट, गूगल एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। तो यहाँ पर रिच रिजल्ट टेस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि मेरा आखिरी क्वेश्चन है। फ्रॉम फाइंडिंग कॉमेंट बैक लिंक साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग कैन बी यूज, लीव अ कॉमेंट, गेस्ट पोस्टिंग, फॉरम या फिर इमेजेस। तो अगर आपने कॉमेंट बैकलिंक्स क्रिएट करने हो तो कौन सा स्ट्रिंग जो है वो यूज किया जाता है, इसका आंसर आप जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा लीविंग अ कॉमेंट। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्ले लिस्ट नहीं चेकआउट की है तो आप इस क्वेश्चन के बाद उस प्ले लिस्ट को मेरे चैनल से लाजमी चेकआउट कीजिए। आपको काफी ज्यादा फायदा रहेगा एफिलिएट मार्केटिंग को कंपाइल करने में। एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा आपका जो भी कोई और कोर्स है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड क्वेरीज के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड आउट कर दिए हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसे मेरे चैनल से लाजमी चेकआउट कीजिए। अगर आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बटन कॉल पर प्रेस कर दीजिए, ये कम्प्लीटली फ्री है और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।